मैं आप लोगों को चने की खेती की देखभाल कैसे करें जिससे कि आपकी उपज जो है दुगना की जा सके। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि चने की खेती करने के लिए इसकी बुआई जो है अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के पहले कर देनी चाहिए। उसके अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए और चने की खेती में ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पानी नहीं देना है। आपको एक बार जो नमी है उसी पर्याप्त पानी से आपको काम चलाना है। जो लोग पानी दे देते हैं उनकी फसल जो है दब जाती है और पीली पड़ जाती है, तो इसका किसान भाई जो है ध्यान रखें। खास तौर से ये ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई इस तरह की फसल है, जैसे इस खेत में ये धनिया लगा हुआ है, अभी धनिया का काम क्या है कि जब इससे फतिंगा जो होता है कीट का जब इधर से पास करता है तो इसकी महक से जो सूढ़ी के वो यहाँ पर जो है लगते नहीं है और वो जो है दूर किसी और जगह क्रॉप पर जाएंगे। लेकिन जिस खेत में धनिया होगा, जिस खेत में जो है तीसी होगी, उसके अंदर जो है उनका जो है एगलिंग नहीं होता है। तो फूल के समय जो है उसमें खाद छिड़कते हैं। कभी भी किसी भी फसल में, केवल चने की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी फसल में जब चने में फूल आने लगे तो उस समय जो है खाद आपको नहीं डालनी है, फर्टिलाइजर नहीं डालनी है, क्योंकि उस समय पौधा जो है दूसरी प्रक्रिया में होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, उस समय उसको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी प्रकार के जो है खाद की। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि इसका जो है ध्यान रखें कि कभी भी इसमें ऐसा काम न करें कि जिससे कि आपकी फसल जो है बर्बाद होए, बल्कि छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि जो 5 से 10% तक आपकी फसल को जो है अधिक उपज उससे मिलेगी। अब चने का जो कीड़ा जो है कैसे आप जानेंगे कि कहाँ पर है? 30-40 दिन का जब फसल हो तो आप उसको पीछे के तरफ आप जो है घुमा करके देखें तो आपके ब्राउन कलर के छोटे छोटे कीड़े जो है लार्वा उसके ऊपर बैठे रहते हैं। और उस इसलिए जो है आप पहले जब छिड़केंगे तो वो बड़ी सूढ़ी नहीं बनेगी, क्योंकि उस समय केवल पत्तियों से जो फर्स्ट स्टेज होती है कीड़े की, जिसको हेलियोथिस आर्मिजेरा कहते हैं, ग्राम पाट बोरर भी कहते हैं, यही कीड़ा जो है कपास में और अन्य जगहों पर भी लगता है। लेकिन इसमें वो जो है पहली अवस्था में जो कीड़ा है वो केवल जो है पत्तों के टिश्यू जो उत्तक है उनको जो है चाट करके जो है वो आगे बढ़ता है, तो उसी समय बाहर रहता है। जब एक बार भीतर फली के अंदर पहुंच जाता है तो उस समय जो है आप उस कीड़े को जो है नहीं मार सकते। तो इसलिए जो है बराबर ध्यान देना चाहिए कि 30 से 40 दिन के अंदर जो है इसको स्प्रेइंग करनी चाहिए। अधिकतर जो है क्यूनालफास जो दवा है या कोई आप और कंट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं वो जो है बाजार में मिलता है, मेलाथियन मिलता है, इस तरह की दवाएं जो है इसके ऊपर छिड़कना चाहिए 30-40 मिनट। एक स्प्रे जो है काफ़ी होता है पूरे के लिए। 600 लीटर में 0.04% के हिसाब से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है पानी, एक हेक्टेयर के लिए उसी के हिसाब से समझ लें। और दूसरा, अच्छी तरह से जिधर से हवा चले उस तरफ से जो है छिड़काव किया जाता है, हालांकि हवा के विपरीत छिड़काव नहीं करना चाहिए किसी भी दवा का। जो स्प्रे से गया पीठ से लादने वाला या फुट स्प्रेयर से जो है दवा को छिड़का जाता है, सबसे उत्तम जो है पीठ पर लादने वाला जो स्प्रेयर होता है उससे फसल खराब नहीं होती है। इनके भी कई तरह के प्रोडक्ट जो है बाजार में मिलते हैं। उत्तर भारत में इसकी खेती जो है रबी के समय में की जाती है और इसको जो है मार्च आते आते इसकी कटाई हो जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए आजकल जो है पानी की जो है बड़ी कमी हो रही है, यह भी कहा जा रहा है कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारी आगे वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। तो ये इन फसलों में है जिसमें पानी नहीं लगता है। इस तरह की फसलों को जो है जहाँ पर असिंचित ज़मीन है वहाँ पर भी जो है आप इसको उगा सकते हैं। केवल एक बात इसमें होती है कि बाद में बहुत ही नुकसान होता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए 10-15 दिन तक जो है कोई वाच कर लेगा तो नुकसान से आप बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब से आप लगावें और लास्ट तक आपको करना है। चने की खेती करने से किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, उससे घर की तो अपनी आवश्यकता पूरी ही होती है और
बाजार में जाता है तो देश को फायदा होता है, और जब इसका एक्सपोर्ट होगा तो हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज जो है उससे मिलता है। इसमें 5 से 10% तक अपनी उपज को बढ़ाया जा सकता है, जो हम छोटी छोटी बातों को इसमें हम बताए हैं। यदि आपको विशेष जानकारी चने की खेती के बारे में यदि करना है तो एक संस्थान हमारे ICR के तरफ से है, वो जो है कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, और वहाँ के निदेशक से वहाँ पर जो है बात करके आप जो हैं और अधिक विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चने का अच्छा बीज प्राप्त करने के लिए इस संस्थान से आप जो हैं बीज भी मंगा सकते हैं जो अच्छी वैरायटी हैं। चने की खेती हो या किसी प्रकार की आप खेती करते हैं, सबसे बड़ी चीज है इसके खरपतवार जो है बड़े दुश्मन होते हैं। अब देखिए, जैसे इसी चने के खेत में हम दिखाते हैं, ये जो है घास है जो चने के खेत में अधिकतर जो है उत्तर भारत में आ जाते हैं, और यह बहुत ही हानिकारक घास होता है। इसका फूल यदि आ जाता है तो इससे एलर्जी भी होती है इसके परागकण से, इसको फूल आने के पहले ही निकाल देना चाहिए खेत से, और एक बार या दो बार में जो है निराई कर देने से जो है फसल जो है बड़ी अच्छी होती है। इसका जो है किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि खेती कर रहे हैं तो उसको मन से करें, और ये नहीं है कि जैसे तैसे बो दिया, जैसे तैसे काट लिया, तो ऐसे लोगों की खेती जो है कोई फायदा नहीं देती है। लेकिन 5 से 10% यदि आपको जो है उपज को बढ़ानी है तो इन छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको चाहिए कि इसका ध्यान दें और उसको अमल में लावें। हाँ, कुछ जैविक खादें इस प्रकार की जो है टॉनिक के रूप में, जैसे शरीर के लिए टॉनिक की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो है पौधों को भी टॉनिक की ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय उतना फायदा नहीं करेगा। फूल के पहले जो है इसको यूज करना चाहिए था। फूल जब आने लगता है तो उस समय पौधा जो है अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, और उसमें जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसी हो जाती है उसके पौधे के शरीर में कि उससे जो है कोई असर नहीं पड़ता है किसी भी खाद का, जो है प्रॉब्लम समस्या नहीं आती है, या आसानी से जो है अपने नज़दीक के मार्केट में बिक जाता है। बहुत से लोग जो है खरीदार जो है गांव में भी आते हैं, और इसके में मार्केटिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कई तरह के चने होते हैं, जैसे काबुली चना है, आपका ब्लैक ग्राम है जो काला वाला चना है, भूरा चना है, और वहाँ पर जिस तरह की जलवायु में जो चना होता हो उसी को जो है लगावें, और परीक्षण के तौर पर आप कहीं पर किसी भी प्रकार का लगा लें, लेकिन इसकी वैरायटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च से जो है आप संपर्क करके आप उसका चयन कर सकते हैं कि हमारे इलाके के लिए कौन सा जो है चना की वैरायटी।